हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई अभी टाटा ने अपनी दुकान लगाई थी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में पंच की। तो और ह्यूंडई जो कि हर दूसरे महीने में एक गाड़ी निकाल देती है, इस सेगमेंट में उसकी कोई गाड़ी नहीं थी। फिर उसने सोचा, फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। तो वह ह्यूंडई कैस्पर, जिसका ये कोड नेम था AX1, जिसकी टेस्टिंग चल रही थी काफी टाइम से, मुझे लगता है उसकी टेस्टिंग पूरी भी नहीं होनी थी। तो इन्होंने कहा भाई जितनी होगी होगी, लॉन्च कर दिया इसको। तो भाई टाटा टेंशन में आ गया, फिर हमने टाटा को दिलासा दिलाया कि भाई अभी ये सिर्फ इसका ग्लोबल डेब्यू है और इंडिया में नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आ जाएगी ये गाड़ी। अभी सितंबर में कोरिया में लॉन्च हुई है, साउथ कोरिया में, मतलब नॉर्थ कोरिया में तो ये खुद ही लॉन्च हो जाएंगे। तो भाई जैसा मैंने बताया, इसका टेस्टिंग के नाम पे कोड नेम था AX1, प्रोडक्शन में इसका नाम बदल के कैस्पर कर दिया है। पता नहीं इसने अपने नाम के साथ क्या क्या बदली किया। तो कोरिया में ये दो इंजन के साथ लॉन्च हुई है, दोनों 1 लीटर के इंजन है। पहला 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर के साथ पेट्रोल इंजन। तो भाई ये गाड़ी कितनी पावरफुल होगी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल, इतनी पावरफुल होगी। और दूसरा 1 लीटर का टर्बो इंजन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा पावरफुल है उनसे, हालांकि ये बाहर था। अब इंडिया में कौन से ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इसमें 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन आ सकता है, जो कि सेंट्रो में आता है, जिसमें हमें 69 bhp की पावर मिलती है और 99 Nm का टॉर्क। मतलब भाई एसयूवी में 69 bhp की पावर, तो भाई आप सिर्फ जाम में ही चला सकते हैं इसको, क्योंकि रोड पे तो चलाने लायक नहीं है, क्योंकि रोड पे तो आपको ऐसे लोग ओवरटेक करके निकल जाएंगे। फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। और इसके अलावा जो दूसरा इंजन आ सकता है वो 1.2 लीटर का कावा पेट्रोल इंजन, जो कि हुंडई ग्रैंड आई10 न्यूज में देता है, i20 में देता है, वेन्यू में भी देता है। तो हाँ इसकी पावर थोड़ी सी बेटर होगी, 82 bhp की और 113 Nm का टॉर्क। तो ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आएगी। और भाई ये गाड़ी बेस्ड है ह्यूंडई के K1 प्लेटफॉर्म पे, जिसपे सेंट्रो बनी है, ग्रैंड आई10 न्योस बनी है। अब इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, बट सही बताऊं तो भाई इस गाड़ी की लेंथ है 3595 mm। मतलब सच बताऊं तो भाई ये गाड़ी सेंट्रो से भी छोटी है। तो भाई इसको माइक्रो एसयूवी क्यों बोलते हो, इसको बोलो तुम मॉस्किटो एसयूवी। तो भाई इस गाड़ी में सब कुछ छोटा मिलेगा आपको, सिवाय एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के, जो कि 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, जो कि वेन्यू में भी आता है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले के साथ। और बाकी इसमें कीलेस एंट्री आएगी, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा। तो भाई तुम्हें छोटी गाड़ी निकाले निकालो, बट यार उसको एसयूवी मत बोलो यार, साले गोली जितनी साइज है तेरी। तो भाई जितनी माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट आता है, महिंद्रा की KUV100, मारुति की इग्निस, कैस्पर और पंच, इन सब में बेस्ट ऑप्शन तो भाई मुझे पंच ही लग रहा है अभी तक। अब देखते हैं भाई आगे क्या होगा, क्योंकि ये गाड़ी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगी इंडिया में भी। तो अब बात करते हैं भाई प्राइसेस की। अगर इसमें 1.2 लीटर का कावा पेट्रोल इंजन आता है तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होनी चाहिए अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख रुपए से एक्स शोरूम। और अगर इसमें 1.1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है तो भाई इसकी प्राइस स्टार्ट होनी चाहिए 4.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से। तो और भाई अगर इससे भी छोटा इंजन आएगा 1 लीटर वाला, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।